हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर पर। अब दोस्तों, जितने भी ऋतिक रोशन के फैन हैं, जूनियर एनटीआर के फैन हैं, वॉर 2 मूवी के फैन हैं, उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी बैड न्यूज है और डिसअपॉइंटिंग वाली न्यूज है। क्योंकि दोस्तों, पहले बताया जा रहा था कि जो वॉर 2 मूवी की शूटिंग है वो 23rd of February यानी कि 23 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी। फ्राइडे के दिन 23 फरवरी से वॉर 2 की ऑफिशियल शूटिंग का फर्स्ट शेड्यूल होगा, जिसमें ऋतिक रोशन हमें फर्स्ट शॉट देते हुए नजर आएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कल 23 फरवरी निकल चुकी है और वॉर 2 की शूटिंग का कोई भी अता पता नहीं है। अभी जो वॉर 2 से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज आ रही है, उसके हिसाब से इस मूवी की शूटिंग को 1 वीक डिले किया गया है। क्योंकि जो ऋतिक रोशन की फाइटर मूवी है वो 350 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है, 350 करोड़ के क्लब में शामिल है, और इसी के मौके पर एक इवेंट रखा गया है जिसमें ऋतिक रोशन को जाना है। और इस इवेंट के चक्कर में ऋतिक रोशन वॉर 2 की शूटिंग में नहीं आ पाए हैं और अब शूटिंग को पूरे 1 वीक डिले किया गया है। यानी कि अब जो शूटिंग स्टार्ट होने की डेट सामने आ रही है वो 1 मार्च की आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अब वॉर 2 मूवी की जो शूटिंग है वो 1 मार्च से हमें स्टार्ट होती हुई दिखाई देगी, जो कि हम सभी फैंस के लिए काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। हमने सोचा था कि जब 23 मार्च से इसकी शूटिंग स्टार्ट होगी तो हमारे पास कुछ ना कुछ वॉर 2 की अपडेट्स आएगी, कुछ ना कुछ ऋतिक रोशन का मेजर कबीर वाला लुक आएगा, जूनियर एनटीआर सेट से ज्वाइन करेंगे तो उनकी तस्वीरें वायरल होगी, तो हमें कुछ पता चलेगा वॉर 2 की शूटिंग से रिलेटेड। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल तरीके से वॉर 2 की शूटिंग को किया जाएगा, जिससे कुछ भी लीक ना हो। क्योंकि वॉर 2 मूवी ऐसी मूवी बनेगी जो 1000 करोड़ नेट कलेक्शन करने का पोटेंशियल रखती है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, वॉर 2 मूवी सच में 1000 करोड़ नेट कलेक्शन कर सकती है कि नहीं, और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1500 करोड़ होगा कि नहीं? आपको जो भी लगता है हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही मूवीज से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके रखिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर को।